हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पांडे के फंडे। आज मैं आपको स्पेशल जोधपुर की प्याज वाली कचौरी बनाने सिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बताइए मम्मी, हमको ये सब चीज़ें बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? 2 कप मैदा चाहिए। ठीक है, 2 कप मैदा, जो हमें जिसे हम एक परात में ले लेंगे। और 1 कप अजवाइन चाहिए। 1 टीस्पून अजवाइन, जिसे हम क्रश करके मैदा में डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक। और मोइंग के लिए तेल डालेंगे। तो अब हम पहला स्टेप हमारे ये है कि हम मैदा को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट आटा गूंदेंगे ताकि हमारी कचौरियाँ क्रिस्पियर बने। क्रिस्पी कचौरियाँ तैयार। ये मोइंग इस तरह डालना है कि अगर हम हाथों से धोते तो ये इस तरह बन जाए। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना, ये इस तरह से बन जाना चाहिए। इसका मतलब ये एकदम सही है, इस तरह प्रिपेयर हो जाना चाहिए। बराबर है, समझ में आया आपको? जी हाँ। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे एक मुलायम आटा गूंदेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, अगर आटा पतला हो जाएगा तो हमें और मैदा डालना पड़ेगा और इसकी क्वांटिटी बिगड़ सकती है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका एक मुलायम आटा तैयार कर लेंगे। ये अब देखिए दोस्तों, कितना मुलायम आटा बन चुका है हमारी कचौरी के लिए। ये इस तरह का आटा होना जरूरी है, इस तरह का आटा बनना जरूरी है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। अब हम आटे को एक वेसल में 15 मिनट के लिए रख के रेस्ट दे देंगे। ये हमने इसे रेस्ट के लिए रख दिया है। अब हमें प्याज का मसाला प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा मम्मा? उसके लिए हम पहले से एक मसाला तैयार करेंगे, सीक्रेट मसाला है, जिसके लिए हम गैस चलाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई को रख के गैस चलाएंगे और उसके अंदर 1 चम्मच जीरा डालेंगे। कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच जीरा डालेंगे। 1 टेबलस्पून सौंफ डालेंगे। 1 टेबलस्पून खड़ा धनिया डालेंगे। अब हम इसे सिम आँच पे अच्छे से मिक्स करेंगे, सेक लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मसाला अच्छे से सेक चुका है। एकदम जलाना नहीं है मसाले को, हमें उसे जलाना नहीं है, हमें उसे हल्का हल्का सा सेकना है बस। ये सेक चुका है, आपको उसकी स्मेल से पता लग जाएगा कि वो सेक चुका है। अब इसे हम दरदरा पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, ये इस तरह दरदरा पिस गया है। अब हम प्याज का मसाला बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे। हमने तेल ले लिया है। तेल लेने के बाद हम हमारा पीसा हुआ मसाला डालेंगे। तेल गरम होने के बाद हम उसमें जो हमने मसाला बनाया है उसको चलाते रहेंगे। तेल गरम होने के बाद हमने जो उसमें मसाला बनाया है उसे हम चलाते रहेंगे। अब हम मसाले में हींग डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और जो हमारा स्पेशल है प्याज वो डालेंगे, और जो हमारा स्पेशल मेन इंग्रेडिएंट है प्याज उसे डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आने लग गया है।
अगर आप लोगों को भी ऐसी औसम रेसिपीज ट्राई करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी रेसिपीज ट्राई करते रहें। जब ये ऐसा ब्राउन होने लग जाए तो आप समझ जाइए कि मसाला सिक चुका है। अब इसमें थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा क्रश किया हुआ अदरक डालेंगे। हमने अदरक डाला है, इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और चलाते रहेंगे और प्याज को अच्छे से सीख लेंगे। वाओ, अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे पीसा हुआ। हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे, हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये बहुत डिलीशियस लग रहा है, मेरे मुंह में अभी से पानी आने लग गया है। अब इसमें हमने थोड़ा सा, हाँ, अब हम इसमें मैश करके पोटैटो मिक्स करेंगे। आलू डालेंगे, बॉईल किए हुए आलू है, बॉईल किए हुए आलू हैं, तीन आलू। अब इससे प्याज की बाइंडिंग अच्छी आती है आलू डालने से, जैसे तो प्याज की कचौड़ी है। हम मैश करके आलू डालेंगे, उससे मसाले की बाइंडिंग अच्छी आती है और मसाला टेस्टी बनता है। दोस्तों, इसमें एक भी गड़बड़ हमारी पूरी रेसिपी को स्पॉइल कर सकती है, इसलिए आपको एक एक स्टेप का अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आप मसालों के ज्यादा शौकीन हैं तो आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं ताकि मसाले में एक्स्ट्रा स्वाद आ जाए। देखिए प्याज का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर, तो बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। इसमें प्याज का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, मसाला काफी टेस्टी लग रहा है जो हमारी कचौरी के अंदर मिक्स होने वाला है। अब हमें इसमें एक्स्ट्रा टेस्ट लाने के लिए अमचूर पाउडर डालना होगा। मार्केट जैसा टेस्ट लाने के लिए अमचूर पाउडर डालना होगा। आप चाहे तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं या नींबू का सब भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। अब आपके स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, इससे खट्टा टेस्ट आएगा। दोस्तों, ये रेसिपी राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, जोधपुर में बहुत प्रसिद्ध है, राजस्थान के जोधपुर जिले में। अब इसमें खटाई के बाद हमें थोड़ा सा मीठा टेस्ट लाना है, जिसके लिए हम आधा टेबल स्पून शक्कर डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा मसाला तैयार हो चुका है, जिसे हम कचौरी के अंदर मिक्स करेंगे। अब गैस बंद कर देंगे और मसाले को रेस्ट के लिए रख देंगे, कूलिंग के लिए। अब हम इस मसाले को एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद हम इसके छोटे छोटे गोले बना देंगे। इस साइज के गोलों से
हमारी 10 से 12 कचौरी आराम से बन जाएगी। हमने जो स्टार्टिंग में हमारा आटा रेस्ट के लिए रखा था वो भी देखिए कितना सॉफ्ट और नरम हो चुका है। अब जैसे हमने इस मसाले के गोले बनाए उसी शेप में उसी तरह से हम छोटे या बड़े जिस भी तरह के आकार के आप कचौड़ी खाना चाहते हैं उसके हम आटे के गोले। अब जैसे हमने मसाले के गोले बनाए उसी तरह हम कचौड़ी के भी आटे से गोले बना देंगे। आप छोटी या बड़ी किसी भी तरह से जो आपको पसंद हो आप अपने खाने के साइज के अनुसार कितने भी बड़े या छोटे गोले बना सकते हैं। और बचा हुआ मसाला आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब चाहे आप बना सकते हैं। और बचा हुआ मसाला आप प्रिजर्व करके फ्रिज में रख सकते हैं और आपकी जब मर्जी हो तब बना सकते हैं ताजी कचौरियाँ। यह हमारे कचौरी के लिए आउटर वाले गोले तैयार हो चुके हैं और ये मसाला तैयार हो चुका और ये हमारे मसाला तैयार हो चुका है। अब हमें हाथों की सहायता से इस तरह पतले प्लेट्स बनानी है जिसके अंदर हम हमारा मसाला भरेंगे कचौरी के लिए। आप चाहे तो इसे बेल भी सकते बेलन की सहायता से। आप अगर इजी प्रोसेस अपनाना चाहें तो इसे बेलन से बेल भी सकते हैं। इसकी किनारे एकदम पतली पतली कीजिए। और ये जो हमने मसाले के गोले बनाए हैं इसे आप कचौरी के आउटर लेयर के अंदर ऐसे इसी तरह से कर दीजिए भर दीजिए एकदम सावधानी से इस तरह से गोले को पैक कर दीजिए। एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दीजिए और इस तरह से इसे दबा दीजिए। इसी तरह आप सारे गोलों से बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारी कचौरियाँ तैयार हो चुकी है। अब हमारा फाइनल स्टेप इसे हमें गरम तेल में तलने के लिए रखना है। अब हमारा मीडियम आंच पे तेल गर्म हो चुका है और हम इसमें धीरे धीरे कचौरियाँ छोड़ेंगे। कचौरियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनने वाली है क्योंकि मीडियम आंच पे सिक रही है, तल रही है। हमें तेल को ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है नहीं तो कचौरियाँ जल सकती है। अगर मीडियम आंच पे हम गर्म करेंगे तो हमारी कचौरियाँ बहुत क्रिस्पी बनेगी और टेस्टी बनेगी। ये देखिए हमारी कचौरियाँ अच्छे से घूम रही है और तल रही है। मीडियम आंच पे तलिएगा दोस्तों, इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखिए। इस चीज में आपको सबसे विशेष चीज जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि आपको कचौरियों को मीडियम आंच में ही तलना है। दोस्तों हम कचौरी का गोल्डन ब्राउन कलर टर्न होने तक इसे तलते रहेंगे। देखिए दोस्तों कैसे हमारी फूली फूली कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। इन कचौरियों का एकदम मार्केट जैसा टेस्ट है। मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। अब मैं फटाफट इसे ट्राई करता हूँ और आप लोग भी इसे घर पर ट्राई कीजिए और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे मोर ऑसम रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए कितनी टेस्टी कचौरियाँ तैयार है। लॉकडाउन के लिए ये कितनी अच्छी रेसिपीज़ हैं। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।